Hello everyone, welcome to my channel. Today we are back with a new question, and the question is एक सर्किट की बिन है जिसमें ओमेगा इक्वल टू 10 के रेडियन पर सेकंड दे रखा है. ओमेगा की जो वैल्यू है वो 10 के दे रखी है. हमें फाइंड क्या करना, इन जेड इन फाइंड करना. अगर इस साइड से देखते हैं, इनपुट इम्पीडेंस फाइंड करना इस सर्किट का, ठीक है, जिसमें एक रजिस्टर गिवन है, इंडक्टर, एक डिपेंडेंट सोर्स दे रखा, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स, और एक कैपेसिटर दे रखा, ठीक है. तो अब ऐसा क्वेश्चन आता है, तब हम जेड इम्पीडेंस कैसे फाइंड करते हैं. तो क्या करें, करना क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले जो इंडक्टर और कैपेसिटर दे रखा है उसको, उनको रेजिस्टेंस में चेंज करना है, ठीक है. तो अगर उसको चेंज करें, पहले मैं करता हूँ इंडक्टर वाले को, ठीक है. तो वो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जे ओमेगा एल, ये के ये इतने ओम के बराबर होता है, ठीक है. तो जेड एल जे ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 × 10³ रेडियन पर सेकंड, ठीक है. ये कितना हो जाएगा, 10⁴ रेडियन पर सेकंड, ठीक है. तो यहाँ पे लगाओ J इंटू 10⁴. L की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 mH. तो हेनरी में इसको चेंज करो, ठीक है, इतने ओम. जेड एल इक्व टू कितना आ जाएगा, 2. देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10⁻¹ और इससे 10^2 से मल्टी अप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, J20 इतने ओम, ठीक है. तो हमें ये इसका जेड एल की वैल्यू पता चल गई कितनी, J20 इतने ओम. ऐसे इसका फाइंड करो, ये होता है जेड सी इक्वल्स टू 1/j⍵c. इसकी वैल्यू लगाओ, जे ओमेगा की 10⁴, सी की दे रखा 1 μF. इसको फेरेड पे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁶. तो जेड सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जे को ऊपर ले जाऊंगा माइनस जे हो जाएगा, ठीक है. और ये कितना हो जाएगा, 10⁻², 10⁻ ऊपर जाके 100 हो जाएगा, इतने ओम. तब माइनस जे 100 ओम आ गया, ठीक है. अब देखो जेड इन निकालना, तो हम क्या करेंगे, जब भी डिपेंडेंट सोर्स आ जाए तो एक ही काम करना, जहां से पूछा है वहां पे क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स लगा दो, मैंने नाम दे दिया इसको VG, ठीक है, और उसमें उसी सोर्स से करंट फ्लो करा दो IG. जो इन वोल्टेज और करंट का रेशियो होगा वो क्या देगा हमें, जेड इन. तो हमें फाइंड क्या करना बेसिकली इस क्वेश्चन में, VG/IG का रेशियो. तो एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, तो देखो यहाँ पे ये IG यहाँ से इस वाले रेजिस्टेंस से भी फ्लो होगी, इस वाले से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी. तो IG जो होगी, मैं IG के लिए बना दे रहा हूँ बात, इस तरह से फ्लो होगी, ठीक है. ये क्या है IG. तो देखो यहाँ से V प्लस से माइनस, तो V की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, V की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 50, V कस टू IR होता है, तो 50, I की वैल्यू कितनी, I करंट कितनी है, IG. तो V की वैल्यू हमने IG के टर्म में चेंज कर ली, वो इसलिए क्योंकि देखो ये 2V है, ये V है, यानी V को तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा. हमारा जो रिक्वायरमेंट है क्या, VG/IG का रेशियो, तो हमें V तो चाहिए ना, हमने V की वैल्यू पहले निकाल ली, ठीक है. मैं इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1. जब भी डिपेंडेंट सोर्स देखना तो यही काम करना, एक वोल्टेज सोर्स लगाना, उससे करंट फ्लो करा देनी है. उन दोनों का रेशियो ही क्या देता है हमें, जेड इन देता है. यही थेवेनिन रेजिस्टेंस के लिए करना रहता है, ठीक है. तो अब मैं क्या करूंगा, KVL लगा दूंगा, ठीक है. KVL लगाना शुरू करो, यहां से KVL लगाऊंगा तो मुझे पहला क्या साइन मिला, नेगेटिव, यानी माइनस VG. KVL लगा रहा हूँ मैं, ठीक है. प्लस यहाँ ये कितना मिला, प्लस V, प्लस यहाँ पे ये R रेजिस्टेंस, ये करंट कितनी है, I. तो कितना आ जाएगा, IR है ना, I R की जगह कितना, J20. यहाँ पे आके अगेन पहले प्लस साइन है, यानी 2V. अगेन यहाँ पे ये इसमें भी IR लगाएंगे, ठीक है. V कस्ट IR, R की वैल्यू कितनी है, माइनस J 100 इजिकल्स टू
जीरो, केवीएल लगा दिया। अब क्या करना है, बस वी की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, तो कितना आ जाएगा ये वी जी, जहाँ जहाँ वी है उसकी जगह 50 आई जी, ये कितना आ जाएगा आई जी जे 20 टू इंटू 50 आई जी, ये माइनस को मैं बाहर लिख ले रहा हूँ, आई जी इंटू जे 100 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, मैं वी जी को इधर ले गया तो कितना जाएगा वी जी इक्वल्स टू, देखो आई जी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो मैं आई जी कॉमन ले ले रहा हूँ, तो कितना बचेगा यहाँ पे 50 बचा, यहाँ पे कितना बचा जे 20, यहाँ पे कितना बचेगा 2 into 50 हो जाएगा 100, और ये कितना बचेगा जे 100। तो वी जी अपॉन आई जी कितना आ जाएगा मेरा, वी जी अपॉन आई जी मेरे किसके इक्वल है जेड इन के, ठीक है, जो मुझे फाइंड करना, तो ये कितना हो गया 100 प्लस 50 150, जे 20 माइनस जे 100 कितना आ जाएगा जे 80। ठीक है, तो इतने ओम कितना आ गया हमारा जेड इन की जो वैल्यू कितनी आ गई 150 माइनस जे 80 इतने ओम। ठीक है, जब भी ऐसी सर्किट आएगा तो इसी तरह से हमें उसको सोल्व करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह से हम और नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं एसी एनालिसिस पे बेस्ड। इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।